बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सबका। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, इस वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है। और शायद मैं कुछ बता रही थी, मन बहुत दुखी है और एक कपड़े पड़े हैं उसको आवाज़ नहीं, मैं कल इसको फोल्ड करके रखूँगी। यही सब देख कर ये और ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं कि समय बेसमय काम करती है तभी सब कुछ उल्टा पलटा हो जाता है। लेकिन दुनिया में कौन औरत होगी जो अपने पति को चाहती होगी कि वो गिर जाए, ऐसी बातें करते हैं ना। और मैंने उनको तेल लगा दिया जहाँ उन्हें चोट लगी थी, उन्हें चोट घुटने में लगी थी। और बोल रहे हैं कुछ दिन पहले मेरे कमर में दर्द था वो ठीक हुआ, तो दूसरा दर्द तुम्हारे कारण हो गया है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो अभी शाम का समय है और यहाँ मैं किचन में हूँ, खाना बना लेती हूँ और खाना बनाकर जल्दी ही उन्हें और बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि आज उन्हें चोट लगी है। तो फिर मुझे खाना बनाने के बाद थोड़ा सा मैं मालिश भी कर दूँगी उस तेल से, जिससे उनका दर्द ठीक हो जाए। और क्योंकि दर्द ठीक हो जाएगा तभी वो सुबह अपना काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे जाएंगे ड्यूटी, कैसे क्या करेंगे। और बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मेरे ही कारण वो फिसले हैं। क्योंकि मैंने जब पोछा लगाया था तो मुझे अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए था फैन ऑन करके, फैन ऑन नहीं किया था मैंने, इसी कारण वो पानी था फर्श पर और वो गिर गए। गिरने के बाद बहुत गुस्सा हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, और मेरी ही गलती है। बहुत अफसोस हो रहा है, मैं क्या करूं। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ जितना जल्दी मुझसे खाना बने मैं बना कर और उनको तेल लगाऊं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर सुबह तक नहीं ठीक हुआ तो मेरी तो खैर नहीं है। और यहाँ मैं उनको उठाने आ गई, वो लेटे हुए थे, लेटे लेटे वो सो गए थे, शायद उन्हें नींद भी आ गई थी। तो मैं उनको उठाने आ गई कि चलिए खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं फिर मालिश कर दूंगी। और ये खाना खाने लगे और बोल रहे हैं छोड़ो मालिश नहीं करना है, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि सुबह तक इनको ठीक होना चाहिए। और ये ओरियो ये भी खाना नहीं खा रही है। और यहाँ बच्चे मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम ही काम है इनका, पढ़ना लिखना नहीं है। और ये आकर लेट गए हैं क्योंकि दर्द इन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द बहुत ही ज़्यादा है। और ये जैसे खाए हैं वैसे ही टेबल लगा हुआ है। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि दर्द बहुत ज़्यादा है तो बताइए, मैं और मालिश कर दूँ, दो बार पहले भी मालिश किया है फिर कर देती हूँ। तो ये बोल रहे हैं नहीं तुम सो जाओ मेरा ठीक है। तो अब बस मैं भी जाकर सो जाती हूँ, नींद तो नहीं आएगी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। प्रांजल अब सो जा बेटा, सो जाओ। क्या सो जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा तुमको इरिटेट कर रही हूँ मैं, सोने के लिए बोल रही हूँ तो।